वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चिकन वेज पेटिस, जिसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट ली हूँ। 250 ग्राम मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ली हूँ, जिसमें क्यूब में हम कट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून वेनेगर, 1 टेबल स्पून रेड सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 आवर भी रख सकते हो। ओवरनाइट मैंने रख चुकी हूँ, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले ली हूँ जो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर चिकन जो मैरिनेट करके रखे थे उसे ऐड कर लेंगे। इसे हम अच्छे से स्टर कर लेते हैं और हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ हम कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। थोड़े से हम कैरेट कैबेज को अच्छे से कट चॉप कर लेंगे। और यहाँ कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्ची आप 1 मीडियम साइज कट कर लेंगे। थोड़े से कैरेट को मैंने कट कर लिया है और ग्रीन चिली अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली कट कर सकते हो। और 1 मीडियम साइज मैंने ओनियन को अच्छे से चॉप कर ली हूँ। अब हम सेम पैन में थोड़े से ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर गार्लिक जिंजर का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। गार्लिक जिंजर पेस्ट अच्छे से हो गया है, अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे और 10-11 सेकेंड हम इसे कुक कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब 11 सेकेंड के बाद हम ओनियन कट किए हुए इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। हमें ओनियन को ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें इसे भी 10 सेकेंड बस इसे भी अच्छे से कुक कर लेना है। अब हम इसके अंदर बाकी के वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, जैसे कि कैप्सिकम, कैरोट और कैबेज। 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और इसे स्लो फ्लेम पे कुक होने देते हैं अच्छे से। हमारा वेजिटेबल्स अच्छे से हो चुका है। अब हम चिकन को ऐसे श्रेड कर लेंगे और फिर इसे भी ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे 5 मिनट आप कुक कर लेना अच्छे से। अब 5 मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते पहले। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी और थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ मैंने देसी घी ली हूँ, यहाँ मैंने घी ले ली हूँ और मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर ली हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने डो रेडी करके रखी हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा मैदा ले लिया, उसके अंदर ऑयल और सॉल्ट ऐड करके हम इसे डो रेडी कर लेंगे। और यहाँ मैंने डो पहले से ही रेडी करके रखा है। 200 ग्राम मैंने मैदा ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसी तरह हमें सारी रोटियाँ रोल कर लेना है। हमने सारे रोटी को रोल कर लिए हैं। अब हम इस पे घी और मैदा जो मिक्स किए थे उसे लगा लेंगे। हमने स्प्रेड कर लिया अच्छे से।
अब मैदे को थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर भी हम घी और मैदा लगा लेंगे। इसी तरह हमें चार रोटी एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के करना है। मैंने चार रोटियाँ रख चुकी हूँ। अब इसे हम हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें अच्छे से रोल कर लेना है इसे। अब हम इसे इस तरह कट कर लेंगे। अब हम इसके कॉर्नर के अंदर मैदा लगा लेंगे, जो मैदा और पानी हमने लगा रखे थे। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब इस तरह हम कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पेटीज रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर पेटीज ऐड कर लेंगे। हमें इसे सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारी चिकन वेज पेटीज रेडी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।